हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। जैसा कि हम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है उत्तर प्रदेश शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1962। आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1962 में क्या क्या पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैप्टर में से 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन गारंटीड बनता है। और आप अभी खुद देख सकते हैं कि अभी आपको देखने को मिलेगा कि पास्ट में 20 मार्क्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए। एक या दो बार 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हर बार 20 मार्क्स में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस चैप्टर को 20 मार्क्स के लिए अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। कुल मिला के 5 क्वेश्चंस बने हैं इस चैप्टर में से, जिसमें से 2 क्वेश्चंस तो रिपीटेड हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या आपको तैयार करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन हैं वो 20 मार्क्स में ज़्यादा हैं। आप देख रहे हैं 20 मार्क्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ईयर वाइज आप देख सकते हैं कि 20 मार्क्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन 2002 में आया था, वही क्वेश्चन 2009 में रिपीट हो गया, लेकिन थोड़ा उसका लैंग्वेज चेंज हो गई। जैसे 2002 में सवाल पूछा गया था 20 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन था एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूपी शॉप एंड कमर्शियल अधिष्ठान अधिनियम 1962। यही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ 2009 में और क्वेश्चन बन गया एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूपी शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1962। इन दोनों क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछा गया है कि आपको यूपी शॉप और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1962 के ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2004 और 2013 दो बार पूछा गया है फॉर 10 मार्क्स। और क्वेश्चन है व्हाट आर द आवर्स ऑफ वर्क फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज इन अ शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट इन यूपी एक्सप्लेन। उत्तर प्रदेश में अलग अलग शॉप्स में या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में एक वर्कर कितने आवर्स वर्क कर सकता है एक्ट के हिसाब से, ये आपको बताना है फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन जो चार बार रिपीट हुआ है और वो क्वेश्चन है डिस्कस साइलेंट फीचर्स ऑफ यूपी शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1962। एक तो आपको ऑब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स पूछा गया है, और दूसरा आपको क्या तैयार करना है, दूसरा आपको साइलेंट फीचर्स तैयार करने हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये भी 20 मार्क्स में चार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स। और क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी शॉप अंडर यूपी शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1962। अब रजिस्ट्रेशन की बात अगर हम करें तो रजिस्ट्रेशन हम कह सकते हैं कि द ओनर ऑफ एवरी शॉप एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन within 3 months on the prescribed application form in duplicate along with the original treasury challan receipt। और जो फीस है वो इस हिसाब से पार्ट 1 में बोला गया है विदाउट एम्प्लॉयज, अगर आपके शॉप में कोई एम्प्लॉय नहीं है तो शॉप का 200 और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का 400। उसके बाद अगर 1 से 5 एम्प्लॉयज हैं, इफ योर बिजनेस पजेसेस 1 to 5 एम्प्लॉयज, देन शॉप के लिए यू हैव टू पे 1000 रुपीज एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए यू हैव टू पे 1500 रुपीज। 6 to 10 एम्प्लॉयज अगर हैं आपके बिजनेस में तो शॉप के लिए 1500 रुपीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए 2000 रुपीज। 11 to 25 एम्प्लॉयज हैं तो शॉप के लिए 2500 रुपीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए 5000 रुपीज। 26 एंड अबव एम्प्लॉयज हैं तो शॉप के लिए 5000 रुपीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के लिए 10000 रुपीज। पार्ट 2 में बोला गया है कि कमर्शियल एस्टैब्लिश सच एज बैंक्वेट हॉल, सिनेमा, रिक्रिएशन पैलेस एंड गेस्ट हाउसेस, डांस पैलेसेस के लिए यू हैव टू पे 5000 रुपीज। 3-स्टार होटल के लिए यू हैव टू पे 10000 रुपीज। 2 and 5-star होटल्स के लिए यू हैव टू पे 25000 रुपीज। ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी के लिए यू हैव टू पे 5000 रुपीज। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए यू हैव टू पे 10000 रुपीज। ठीक है, होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि ये तो प्रोसीजर नहीं था, ये तो शुरुआत था। ठीक है, प्रोसीजर आपकी बुक में दिया हुआ है पूरा का पूरा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इवन मेरे फेसबुक पेज को लाइक करके वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज में बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।